14 जनवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, दावा यही किया कि अब की बार उत्तर प्रदेश में बनेगी अखिलेश की सरकार। मौर्य का विकेट गिरना बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, लेकिन अब आरपीएन सिंह को पार्टी में शामिल करवाकर बीजेपी ने मौर्य को सीधी चुनौती दी है। जिस इलाके से स्वामी प्रसाद मौर्य विधायक है वो इलाका आरपीएन सिंह का है, यानी अब की बार अगर पडरौना से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ते हैं तो मुमकिन है कि सामने आरपीएन सिंह हो। आज इन तीन तस्वीरों से आरपीएन सिंह की नई इनिंग को समझिए। कांग्रेस को अलविदा कहकर 2022 में बीजेपी का बेड़ा पार लगाने के लिए मोर्चे पर डट गए हैं। दूसरी तस्वीर, क्या पडरौना में स्वामी प्रसाद मौर्य बनाम महाराज की चुनावी जंग होगी। तीसरी तस्वीर, रांची में कांग्रेस दफ्तर के बाहर विरोध में हुई आतिशबाजी। अब सवाल है कि कांग्रेस के बड़े नेता, यूपीए सरकार में मंत्री रहे आरपीएन सिंह, बीजेपी में शामिल क्यों हुए। ये तब है जब कांग्रेस में उनका सुनहरा भविष्य था, पार्टी की तरफ से झारखंड के प्रभारी थे, गांधी परिवार तक सीधी पहुंच थी। तो सबसे पहले आपको आरपीएन सिंह के बारे में बताते हैं। आरपीएन सिंह का पूरा नाम है कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, जो पडरौना राजघराने से आते हैं। पूर्वी यूपी की सैंथवार कुर्मी जाति यानी पिछड़ी जाति के हैं। पूरे इलाके में आज भी उन्हें समर्थक पडरौना के राजा साहब कहकर ही बुलाते हैं। पडरौना वही इलाका है जो यूपी और बिहार के बॉर्डर पर कुशीनगर जिले में आता है। आरपीएन सिंह पडरौना सीट से 1996, 2002 और 2007 के विधानसभा चुनाव में 3 बार विधायक रह चुके हैं। इसके बाद 2009 लोकसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य को हरा कर संसद में पहुंचे थे। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में गृह राज्य मंत्री बने। कुशीनगर, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया समेत कई जिलों में सैंथवार कुर्मी निर्णायक भूमिका में है। सरल शब्दों में समझें तो बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के दांव पर अपना मास्टर स्ट्रोक खेला है। स्वामी प्रसाद मौर्य का दबदबा कुशीनगर में है और आरपीएन सिंह की भी सियासी पकड़ उसी इलाके में है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी पिछड़ी जाति से आते हैं, वहीं आरपीएन सिंह भी पिछड़ी जाति का चेहरा है। स्वामी प्रसाद मौर्य की पकड़ पिछड़ों में है तो वहीं सिंह की भी पिछड़ी जाति में अच्छी पैठ है। स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना से विधायक है। आरपीएन सिंह पडरौना से 3 बार विधायक रह चुके हैं। पूर्वांचल में समाजवादी माहौल बनाएंगे तो पूर्वांचल में बीजेपी को मजबूत बनाएंगे। ये भी समझिए, बीजेपी छोड़कर अखिलेश की टीम में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना सीट से 2022 में ताल ठोक सकते हैं, यानी मौर्य के पाला बदलने के बाद अब किसी मजबूत चेहरे की तलाश पूरी हो गई। कि कांग्रेस पार्टी की जो नकारात्मकता, निगेटिव पॉलिटिक्स, और निगेटिव पॉलिटिक्स का नतीजा ये हुआ है कि आज इस मुल्क की पार्टी को मोहल्ले की पार्टी बना दिया है। इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो है वो ब्रांड न्यू परिवार का घोसला और पप्पू का चोचले में सिमट कर और सिकुड़ के रहती जा रही है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि आज क्या हश्र होता जा रहा है। माना जा रहा है कि बीजेपी पडरौना से आरपीएन सिंह को उतार सकती है, जिनकी ये पुरानी सीट रही है, लगातार 3 बार इस सीट को जीत चुके हैं। ऐसे में पडरौना में हमें मौर्य वर्सेस राजा साहब की जंग देखने को मिल सकती है। कौन लड़ाई में है वहां, बताइए। प्रदेश की जनता कांग्रेस को और बसपा को नोटिस में नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी को जनता विदाई करने के लिए मन बनाई हुई है, और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोग लगे हैं। गठबंधन हमारा मजबूत है और चुनाव 100% बम्पर वोट से जीतेंगे, देखिएगा ना। आप कब पहुंच रहे हैं शिवपुर? जल्दी आ जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल की सबसे हॉट सीट पडरौना बन सकती है, अगर यहाँ मुकाबला मौर्य बनाम सिंह हुआ। वैसे पडरौना विधानसभा में 3,48,000 मतदाता हैं, सबसे ज्यादा करीब 84,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। इसके बाद करीब 76,000 दलित, 52,000 ब्राह्मण, 48,000 यादव वोटर्स हैं। अब आरपीएन सिंह की बिरादरी यानी सैंथवार वोटर्स की बात करें तो उनकी संख्या 46,000, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य की कुशवाहा जाति के वोटर लगभग 44,000 हैं। मतलब मुकाबला दोनों के बीच काफी टक्कर का है। वहीं इस मुकाबले से पहले टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की कमेंट्री आई है। हेवी वेट या डेड वेट,
जिन्होंने दशकों से एक भी सीट नहीं जीती, वो चुनाव से पहले बीजेपी में जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आरपीएन सिंह के बीजेपी में आने से झारखंड की राजनीति गर्म हो गई है। दरअसल इसके पीछे है झारखंड में कांग्रेस के विधायक का ये ट्वीट। पिछले एक साल से ज्यादा से बीजेपी के साथ साठ गांठ कर आरपीएन सिंह जी झारखंड की कांग्रेस जेएमएम सरकार को अपदस्थ कराने की कोशिश कर रहे थे। पार्टी नेतृत्व को लगातार इस बारे में आगाह भी किया गया था। इनके बीजेपी जाने से झारखंड का हर सच्चा कांग्रेसी खुश है। तो क्या अब झारखंड में भी गठबंधन सरकार पर कोई खतरा है? बताया यही जाता है कि झारखंड चुनाव में आरपीएन सिंह की भूमिका बहुत अहम थी, गठबंधन से लेकर सरकार बनवाने तक। यहाँ तक कई विधायक और मंत्रियों से भी उनके रिश्ते अच्छे हैं। अभी झारखंड में कांग्रेस के 18 विधायक हैं, तो क्या आरपीएन झारखंड में वही भूमिका निभा सकते हैं जो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निभाई? तो व्यक्ति विशेष का कोई ये नहीं हो, मतलब नहीं होता। मतलब होता है पार्टी का, और पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के जितने भी विधायक है वो सच्चे सिपाही हैं, और कभी किसी को किसी तरह की बात हम समझते हैं कि ना उनका इस तरह का कभी इस तरह का प्रयास होगा, और ना हम समझते हैं कि यहाँ के विधायकों का उनके जाने से उन पर कोई फर्क पड़ने वाला है। आज वो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं जो 30 साल तक उन्होंने सेवा की, 25 साल तक सेवा की है। तो और इन्होंने सेवा की, निस्वार्थ सेवा की है। उत्तर प्रदेश में तो हमारी सरकार ही 30 सालों से ज्यादा पे नहीं रही है, तो वहां लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी कांग्रेस पार्टी के लिए। और वो सोच नहीं, वो नेताओं की बात मैं नहीं कर रहा, नीचे का, निचले स्तर का, गांव का आदमी कांग्रेस छोड़ रहा है। और नेताओं की बात छोड़ दीजिए, जो जिले के नेता हैं वो सब छोड़ रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है? इसमें आरपीएन सिंह को मत देखिए आप। यानी उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड तक सियासी पारा आरपीएन सिंह ने पढ़ा दिया है, लेकिन सबकी नजर अब पडरौना पर है। आज तक ब्यूरो।